नमस्कार, फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं के सिन्हा आप सबका। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं तो आपको तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये तीन चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये वीडियो मैं दावे के साथ कह रहा हूं और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जॉब करते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकारी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, कुछ भी अगर करते हो, आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपको यू हैव टू लर्न। आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं सीखोगे, या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो सीखना पड़ता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। आप ये मत समझिए कि आपका तो बहुत मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, आपका दूसरा कोई भी मार्केटिंग का बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अप्लायंस से सीखना है, आपके अप्लायंस जो सक्सेस हुए हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब आपको फॉलो करना है, उसको आपको सीखकर आपको अप्लाई करना है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी सीखना है, सिस्टम के बारे में भी सीखना है, आपको बिजनेस के बारे में भी सीखना है, प्लान्स के बारे में भी सीखना है, जो कुछ भी सीखने लायक है वो सब आपको सीखना है। दूसरा पॉइंट, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। आपने सीख लिया, इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले लर्न करना है, उसके बाद अर्न करना है। अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रोडक्ट्स का सेलिंग के टेक्निक्स जो है वो सीखा है, पीपल स्किल जो आपने सीखा है उससे आप लोगों के साथ बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, इन्वाइटिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 3, आपने जो सीखा है, आपने जो इस्तेमाल किया है फील्ड में, जितना सारा आपने एक्सपीरियंस लिया है, उन सबको आप भी क्या है, आप डुप्लीकेट कीजिए। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आपने सीखा है, आपने इस्तेमाल किया है, आपके पास बहुत कुछ है, अभी उसको आप दूसरे लोगों को आपको डुप्लीकेट करके, आपने जो कुछ भी सीखा है वो सब आपको देना है। इससे क्या होगा, आपके जितना कुछ है आपके अंदर वो किसी और के पास में आपने दे दिया, अभी वो भी आपके तरह बन जाएगा। आप ग्रो कर रहे हैं, आपने जो जिसको सिखाया वो भी ग्रो कर रहा है। तो आपने सिखाया, आपने दिया, मतलब आपका टीम ग्रो कर रहा है। अभी क्या करना है, उसको भी सिखाना है कि उसने जो सिखाया वो दूसरों को दे दे। ऐसा करने से आपका एक सुंदर सा जो है प्लेटफॉर्म बन जाएगा, या फिर बहुत अच्छा एक नेटवर्क बन जाएगा। ये तीन चीज हमेशा ध्यान में रखिए, पहले सीखना है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर डुप्लीकेट करना है। सीखना, लर्निंग, इंप्लीमेंटेशन एंड डुप्लीकेशन, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। ये तीन चीज अगर आप ध्यान से अगर करते हैं, अपने अंदर के ईगो को छोड़ के, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो एज में बहुत बड़ा हूं, मेरा अपलाइन तो एज में छोटा है, मैं क्यों उससे सीखूं। अगर ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आपका छोटा हो ही सही, लेकिन आपसे पहले कंपनी में आया है, मतलब आपसे थोड़ा बहुत जानकारी वो रखता होगा, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर किसी से हमें सीखने को मिल सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो उससे भी सीखने को मिल सकता है, चाहे वो ठेला वाला हो उससे भी सीखने को मिल सकता है, सब्जी वाला उससे भी सीखने को मिल सकता है, कंडक्टर, बास कंडक्टर जो होता है उससे भी सीखने को मिल सकता है, हर किसी से आपको सीखने को मिल सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आप भी सब कुछ जानते हैं। अगर आप हमेशा ऐसा सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहले सीखिए, सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट करने के बाद जो है डुप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये तीन चीज़ आपको आसानी से आगे बढ़ाता रहेगा। कीप पैशंस, ठीक है। अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर दबाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक का बटन जरूर दबाइए। कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आप सबका बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अमीर बनते रहे। नमस्कार।